तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी अमेनोरिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एबसेंस ऑफ मेंसेस फॉर मोर देन 3 मंथ और 3 रेगुलर साइकिल। मतलब किसी लेडी को मेंसेस आ रहे थे पर 3 साइकिल उसकी मिस हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमेनोरिया। तो इसमें 2 कॉज है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में क्या क्या है, प्रेगनेंसी है तो 9 से 10 महीने तक उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब जब तक वो लैक्टेशन मतलब एक्टिव फीडिंग जब तक बच्चा करेगा तब तक उसको 6 6 मंथ तक बेसिकली होता है तब तक उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। और मेनोपॉज मतलब 45 या 50 के बाद जब मेनोपॉज आ जाता है तब ब्लीडिंग नहीं होती। उसके बाद होता है पैथोलॉजिकल कॉज में, तो सबसे पहले यूटेराइन कॉज में, यूटेराइन सिंकिंग मतलब यहाँ पे अधेशन फॉर्म हो जाता है। ट्यूबरक्यूलर एंडोमेट्राइटिस पोस्ट रेडिएशन मतलब किसी को कैंसर था उसके बाद उसका रेडिएशन मतलब उसको दिए तो उसकी वजह से। सर्जिकल रिमूवल मतलब यूट्रस ही किसी का निकला है तो कैसे होगा ये मेंसेस। सर्वाइकल कॉज में सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल पोलिप। ये सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो अपना ये जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओएस होता है यहाँ पे कोई एक क्लोज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस या फिर नैरो हो जाता है। उसके बाद सर्वाइकल पोलिप। उसके बाद थर्ड क्या हो सकता है इसमें, ओवरियन कॉज में होता सकता है, उसमें PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और प्री मेच्योर ओवरियन फोलिकल और ओवरियन ट्यूमर, ये ओवरियन कॉज में आ गया। उसके बाद पिट्यूटरी कॉज में है प्रोलैक्टियोमा, कसिंग सिंड्रोम और एक्रोमेगली। एड्रीनल कॉज में बेसिकली क्या हो सकता है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एंड ट्यूमर। थायरॉइड कॉज में बेसिकली हाइपोथायरॉइडिज्म होता है जिसमें TSH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और T3 T4 जो है नॉर्मल हो सकते हैं या फिर ये डिक्रीज हो सकते हैं। जनरल फैक्टर में जैसे माल न्यूट्रिशन है, किडनी डिजीज़ है या फिर लीवर डिजीज़ है तो उनमें भी मेंसेस नहीं आते कभी कभी। उसके बाद ड्रग, कोई लेडी ड्रग ले रही है जैसे OCP ले रही है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रही है या फिर कोई एंटी साइकोटिक ड्रग ले रही है तो उसकी वजह से भी मेंसेस कभी कभी नहीं आते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, जो सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना है, डायग्नोस करना है। उसके बाद डायग्नोस हम लोग करेंगे, डायग्नोसिस में इसको बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।